मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ओनर ऑफ द कार मिस्टर विक्रम रेड्डी जी को कि ये मौका हमें देने के लिए फिर से कस्टमर नहीं आए, सिर्फ कार हम तक पहुँचाई है। तनवीर भाई, मेक इट टू गेस द मॉडल, लेकिन एक ही बात है, पाइनियर का सेंटर स्पीकर और प्लेयर मुझे कास्का का आप इंस्टॉल करके दीजिए। आज प्राउडली आप लोगों के सामने हम फिर से प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये है क्रेटा का वेरिएंट ई, जिसे हमने गेज़ा मॉडल में अपग्रेड किया है। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले हमने पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, क्योंकि आन बान शान ये ग्रिल है। मिसिंग DRLs भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। हेडलाइट्स में लो बीम एंड हाई बीम में ब्लॉपंग की 220 वॉट्स की LEDs इंस्टॉल की है, जो 2 साल की वारंटी के साथ आती है। साइड प्रोफाइल में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमने इंस्टॉल किए, एडवेंचर के वेंट्स इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि दोस्तों एडवेंचर के जो वेंट्स आते हैं हुंडई जेन्युइन के आते हैं, ब्लैक क्रोम के आते हैं, और जो फ्रंट की जो ग्रिल है वो भी पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम के साथ ही आती है। दोस्तों इंटीरियर में मिरर्स के ट्रिम्स हमने रिप्लेस किए हैं, हमने कटिंग नहीं किए हैं। और फिर से दोस्तों आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मिरर लगाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप ट्रिम चेंज कराइए, कटिंग बिल्कुल भी मत कराइए। सीट कवर की हमारी फिटमेंट देखिए, फिनिशिंग देखिए, द एयर बैग फ्रेंडली सीट कवर विद द सेंटर परफोरेशन के साथ जो ट्राई कलर के आते हैं। स्टीयरिंग ऑडियो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, क्रूज कंट्रोल हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, लैमिनेशन की है, मैटिंग भी की हुई है ये कार के अंदर। वंस अगेन मैं प्लेयर की बात करना चाहूँगा, ये कार के अंदर जो प्लेयर हमने इंस्टॉल किया कास्का का 6x128 एंड्रॉयड वर्जन 13 है इसका, 75:4 आउटपुट के साथ है, विथ 5.1 चैनल है, DTS के साथ है इंस्टॉल किया है। लेकिन दोस्तों पाइनियर का सेंटर स्पीकर आप मत भूलिए, क्योंकि इसके बगैर कार ऑडियो आपका इनकम्प्लीट है। 450 वॉट्स 100 वॉट्स RMS विद द क्रॉसओवर के साथ है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। एप्पल कारप्ले वायरलेस है, एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर वायरलेस है, लेकिन दोस्तों खास करके ये जो चीज़ है ना, साउंड इफेक्ट के लिए आए हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसमें कोई नॉर्मल DSP नहीं है, इसके अंदर हाईफाई DSP है। इक्विलाइजर इसके 47 बैंड इक्विलाइजर है। DTS आप इसका चेकआउट कर सकते हैं, जो फैंटम स्पीकर्स का आता है, फैंटम स्पीकर ऑन एंड ऑफ है, सर्कल सराउंड आप चेकआउट कर सकते हैं, ट्रू बेस है, फोकस है, डिलेज भी है दोस्तों इसके अंदर, और खास करके जो इसका हाई फाई DSP है 2.1 4 चैनल 4.1 एंड 5.1 आउटपुट के साथ है। ये चीज़ तो हमको चाहिए थी, जो पूरा मैं बोलूँगा ना एक प्लेयर में बना दिया, ना मैंने एम्पलीफायर लगाया, ना मैंने हूफर इंस्टॉल किया हुआ है, और आप देख सकते हैं माइक भी इसके विजिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सनग्लास होल्डर में ये आ जाता है। प्लस सेंटर स्पीकर की क्या बात है, पाइनियर के जो हमने चारों कंपोनेंट प्रीमियम डैम्पिंग की है, लेकिन कास्का 5.1 चैनल विथ हाई फाई DSP, एक बार आउटपुट आप सुन के देखिए फिर आप बोलेंगे मज़ा आ गया। ऐसी थोड़ी ना दोस्तों इतनी दूर दूर से कार आ रही है, कुछ तो खास बात रहेगी, और 2 साल की वारंटी के साथ है ये वाला प्रोडक्ट। तो फिर से विक्रम जी थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। अब ये कार वापस जा रही है हैदराबाद में, तो मैं दिल से थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा क्रेटा ओनर्स को, कोई इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये क्रेटा गेस्ट द मॉडल फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद आपको किस तरीके से लगी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।